वंदे मातरम दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। आपको पता, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान की जो आकृति है वो विषमकोणीय पतंगाकार है। ये देख सकते हैं आप, ये राजस्थान की जो आकृति है पतंगाकार नजर आ रही है, विषमकोणीय भी है ये। ठीक है, राजस्थान की जो उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से, उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा, उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा के बीच की दूरी है, वो दूरी है 826 किलोमीटर। उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा के बीच की दूरी है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। और ये तो होगी उत्तर दक्षिण की दूरी, और अपन पूर्व पश्चिम की दूरी देख लेते हैं। ये जो सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील, सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर का जो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है, उससे कटरा गांव सम तहसील बाड़मेर, सिलाना गांव धौलपुर से कटरा गांव जैसलमेर की बीच की दूरी कितनी है, 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की दूरी 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, 869 किलोमीटर। सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर के बीच की दूरी कितनी है, 869 किलोमीटर। अब एक बार अपन इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। चूंकि भारत अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अतः राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो एक ये भी किस गोलार्ध में स्थित हुआ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। और अपन एक बार इसका अक्षांश विस्तार देखते हैं। अक्षांश विस्तार राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट से कितना है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर किस लिए, क्योंकि भारत जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है, इस कारण इसके साथ में अपन पूर्वी देशांतर जोड़ रहे हैं। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे। जहां अक्षांश और देशांतर दोनों काटते हैं, और ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं ग्रिड। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को जो जगह बनती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रिड। और आपको पता है देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही समय का ज्ञान किया जाता है, और राजस्थान में देशांतर रेखाओं के बीच में 9 डिग्री का अंतर आता है। कितने डिग्री का अंतर आता है, 9 डिग्री का अंतर आता है। 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट के बीच में लगभग 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर आता है, लगभग 9 डिग्री का अंतर आता है। आपको पता है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अतः 9 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा, 9 चौक 36 मिनट का समय लगेगा। अतः राजस्थान में जो पूर्वी गांव सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर के बीच में सूर्योदय व सूर्यास्त में 36 मिनट का अंतर होगा। यहाँ पहले सूर्योदय होगा, इसके 36 मिनट बाद में सूर्योदय यहाँ होगा। यहाँ पहले सूर्यास्त होगा, इसके 36 मिनट बाद में सूर्यास्त यहाँ होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। तो सबसे पहले सूर्य के संपर्क में कौन आएगा, सिलाना गांव, उसके बाद में सबसे अंत में कटरा गांव। तो पूर्व व पश्चिम के बीच में जो सूर्योदय व सूर्यास्त में अंतर होगा वो कितना अंतर होगा, 36 मिनट का। अब एक बार अपन इसकी स्थलीय सीमा देख लेते हैं। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। स्थलीय सीमा कितनी है, कुल 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और बाकी जो बची 4850 किलोमीटर वो अंतर्राज्य सीमा है।
एक बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लेते अपन पहले। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर। वो किसके साथ लगती है? केवल पाकिस्तान के साथ में। राजस्थान केवल पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 1070 किलोमीटर। क्या नाम है इस सीमा का या इस रेखा का? रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ लाइन। जब देश आजाद हो रहा था उस समय सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण के लिए नियुक्त किया गया था। जिस आयोग को नियुक्त किया गया था उस आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया रेडक्लिफ रेखा। राजस्थान में इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर जो ये पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। राजस्थान के चार जिले, राजस्थान के चार जिले पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है पाकिस्तान के साथ में वो लगती है 210 किलोमीटर की। गंगानगर पाकिस्तान के साथ में 210 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर न्यूनतम, बीकानेर पाकिस्तान के साथ न्यूनतम। चारों जिले, राजस्थान के जो चार जिले हैं उनमें सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है बीकानेर। कितनी बनाता है? 168 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर जैसलमेर, जैसलमेर पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितनी? 464 किलोमीटर। जैसलमेर पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर। और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। बाड़मेर कितनी सीमा बनाता है? 228 किलोमीटर। गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। जो राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ होता है यहाँ पर हिंदुमल कोट से होता है। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर गांव सहागढ़ तहसील बाड़मेर। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर गांव सहागढ़ तहसील बाड़मेर तक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। ये तो थी अपनी राजस्थान की जानकारी। अब एक बार अपन पाकिस्तान की तरफ से भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के दो प्रांत, एक तो पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। पाकिस्तान के दो प्रांत, एक पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत के तीन जिले बहावल नगर, बहावलपुर और रहमियार खान। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा जिला राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये ध्यान रखना है अपने को। पंजाब प्रांत के तीन जिले हैं बहावल नगर, बहावलपुर और रहमियार खान। बहावल नगर, बहावलपुर और रहमियार खान पाकिस्तान के तीन जिले ऐसे पंजाब प्रांत के जो राजस्थान या भारत के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और सिंध प्रांत के छः जिले गोडकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर। सिंध प्रांत के छः जिले गोडकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। कुल मिला के 9 जिले पाकिस्तान के ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये तो थी 1070 किलोमीटर की जानकारी। अब अपन को देखनी है 4850 किलोमीटर की जानकारी, वो देख लेते हैं अपन उत्तर से। राजस्थान के उत्तर में पंजाब स्थित है। पंजाब राजस्थान के साथ में 89 किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा बनाता है। और राजस्थान के दो जिले गंगानगर वे हनुमानगढ़। पंजाब के साथ में अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, जिनमें से सर्वाधिक बनाता है गंगानगर, ठीक है। और कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। उसके बाद में आता है उत्तर पूर्व में हरियाणा। हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं और राजस्थान के भी 7 जिले हरियाणा के साथ में अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। देखते हैं अपन एक बार, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। सात ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के हैं और हरियाणा के साथ में अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा बनाता है इनके साथ में हनुमानगढ़। गंगानगर पंजाब के साथ में सर्वाधिक सीमा बना रहा था और हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ में सर्वाधिक सीमा
बना रहा है। हरियाणा के साथ जिले देख लेते हैं एक बार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू। फिर से देखना एक बार, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नू, ये सात हरियाणा के जिले हैं। और राजस्थान के सात जिले कौन से? हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ये सात जिले हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, सॉरी भरतपुर भी सातवां जिला है जो हरियाणा के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। कुल सीमा बना रही है ये 1262 किलोमीटर की। पंजाब से अंतर्राज्यीय सीमा थी 89 किलोमीटर और हरियाणा से अंतर्राज्यीय सीमा 1262 किलोमीटर। अब देखते हैं जो राजस्थान, ये पूर्व में स्थित जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दो जिले मथुरा और आगरा, उत्तर प्रदेश के दो जिले मथुरा और आगरा, राजस्थान के दो जिले भरतपुर और धौलपुर के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के दो जिले मथुरा और आगरा, राजस्थान के दो जिले भरतपुर और धौलपुर के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और कुल सीमा बनाते हैं ये 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। और सर्वाधिक सीमा बनाता है भरतपुर। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? भरतपुर। और न्यूनतम धौलपुर। अब देखते हैं अपन दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में स्थित है मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्व में स्थित है मध्य प्रदेश जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितनी? 1600 किलोमीटर। और राजस्थान के भी 10 जिले हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जो आपस में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। एक बार पहले अपन राजस्थान के जिलों को देखते हैं। धौलपुर, करौली, बारा। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। गिन लेते हैं एक बार, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये ऐसे जिले जो मध्य प्रदेश के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है झालावाड़। सभी राज्यों में से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? झालावाड़। और मध्य प्रदेश का नीमच जिला, मध्य प्रदेश का नीमच जो जिला है ये पड़ोसी राज्यों का ऐसा जिला है जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और राजस्थान का कौन बनाता है? झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक बनाता है झालावाड़ और न्यूनतम बनाता है बाड़मेर जो अभी गुजरात से बनाएगा। अभी देखते हैं अपन मध्य प्रदेश के 10 जिले देख लेते हैं एक बार। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। फिर से देखते हैं एक बार मध्य प्रदेश के 10 जिले जो राजस्थान के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा या आगर, नीमच, मंदसौर और रतलाम व झाबुआ। ये 10 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और ये 10 जिले मिलकर कितनी सीमा बनाते हैं? 1600 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये थी दक्षिण पूर्व की बात। अब देखते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य है इधर गुजरात। दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात के 6 जिले, गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। गुजरात के भी 6 जिले और राजस्थान के भी 6 जिले, कुल जो सीमा बनाते हैं ये 1022 किलोमीटर की बनाते हैं। ये कुल कितनी सीमा बनाते हैं? ये 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। इधर से देखते हैं अपन राजस्थान के जिले देखते हैं। पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर, सिरोही और ये बाड़मेर। बांसवाड़ा डूंगरपुर सिरोही, जालौर और बाड़मेर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर और बाड़मेर, ये 6 जिले ऐसे हैं जो
गुजरात के 6 जिलों कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर और दाहोद, दाहोद या जालोद। कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर और दाहोद या जालोद से मिलकर ये जो 6 जिले हैं गुजरात के, ये राजस्थान के साथ में अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। ये हो गई अपनी जानकारी। ये बाड़मेर, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है ये गुजरात के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। बाड़मेर पड़ोसी राज्यों में सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? जालोर। अब देखिए गंगानगर वे बाड़मेर, गंगानगर वे बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ में। बाड़मेर भी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है और पड़ोसी राज्य इधर पंजाब और इधर गुजरात दोनों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं ये और अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहे हैं, ठीक है। और इधर ये बांसवाड़ा और धौलपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है, दो राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है और मध्य प्रदेश के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है और गुजरात के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। ये तीन जिले ऐसे हैं दो राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, और गंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे जिले थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहे हैं। ये तो थी एक नॉर्मल सी जानकारी इसके, सॉरी कुछ बच गया टॉपिक। अब अपन एक बार देख लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। आपको पता है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 342,239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239 किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। भारत का कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? 10.41%। ये तो किलोमीटर में था क्षेत्रफल। यदि मील में पूछा जाए, मील में यदि राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना है? 132,140 वर्ग मील। मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 132,140 वर्ग मील। क्षेत्रफल के, जो क्षेत्रफल में भारत के चार बड़े राज्य वो देख लेते अपन। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का, उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। आपको पता है 2001 तक मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा था, लेकिन मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, अलग राज्य बन गया, तो फिर एक नंबर पर कौन आ गया? राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। एक कुछ चीज़ छूट गई थी अपनी, पंजाब के दो जिले, राजस्थान के दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ में अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। तो पंजाब के दो जिले कौन कौन से हैं? एक तो फाजिलका और मुक्तसर। फाजिलका व मुक्तसर पंजाब के दो ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ में 89 किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक कौन बनाता है? गंगानगर। पंजाब के साथ में राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? गंगानगर। हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ में भरतपुर, मध्य प्रदेश के साथ में झालावाड़ और गुजरात के साथ में बनाता है उदयपुर। ये थी इसकी सामान्य जानकारी। और कुछ जो छोटी छोटी जानकारी है वो भी अपन देख लेते हैं। राजस्थान का जो सबसे मध्यम स्थित गाँव है, राजस्थान का जो सबसे मध्यम स्थित गाँव वो गाँव है लामपोलाई। लामपोलाई गाँव स्थित है नागौर के अंदर, जो राजस्थान का सबसे मध्यम स्थित गांव है। राजस्थान में एक जिला है पाली, जो आठ जिलों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। राजस्थान में जो पाली जिला है वो 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। देखिए इसके उत्तर पूर्व में अजमेर है, उत्तर में नागौर, उत्तर पश्चिम में जोधपुर, पश्चिम में बाड़मेर, दक्षिण पश्चिम में जालोर, फिर दक्षिण पश्चिम में सिरोही, दक्षिण में उदयपुर, फिर दक्षिण पूर्व में राजसमंद, ठीक है। ये कुल मिला के हो गए 8 जिले। अजमेर 1, नागौर 2, जोधपुर 3, बाड़मेर 4,
जालौर 5, सिरोही 6, उदयपुर 7 और राजसमंद 8, ये ऐसे जिले हैं जो पाली के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। अब एक बार अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं राजस्थान के जिलों को। राजस्थान में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वो है जैसलमेर का। सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? जैसलमेर का। कितना है? 38,401 किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल है जैसलमेर जिले का, जो क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पर आता बाड़मेर। बाड़मेर का क्षेत्रफल 28,387 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है? 28,387 वर्ग किलोमीटर द्वितीय नंबर पर आता है बाड़मेर। तीसरे नंबर पर बीकानेर। बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है? 27,244 वर्ग किलोमीटर। और चौथे नंबर पर आता है जोधपुर। जोधपुर का क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर 27,244 वर्ग किलोमीटर और जोधपुर का है 22,850 वर्ग किलोमीटर। कहते थे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। अब देखते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। सबसे कम क्षेत्रफल है राजस्थान में धौलपुर जिले का। कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो कितना है? धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल से 12.66 गुना है। जैसलमेर धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। सेकंड नंबर पर जो क्षेत्रफल है दौसा का है 3,432 वर्ग किलोमीटर। सबसे न्यूनतम धौलपुर 3,034 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद में दौसा 3,432 वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर पे डूंगरपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3,770 वर्ग किलोमीटर। डूंगरपुर कितना है? 3,770 वर्ग किलोमीटर। फोर्थ नंबर पे है प्रतापगढ़, जिसका क्षेत्रफल है 4,117 वर्ग किलोमीटर। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल राजस्थान में धौलपुर का 3,034 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद में दौसा 3,432 वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर पर डूंगरपुर 3,770 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ नंबर पर प्रतापगढ़, जिसका क्षेत्रफल है 4,117 वर्ग किलोमीटर। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि गंगानगर व बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बना रहे हैं, और हनुमानगढ़, धौलपुर और बांसवाड़ा बताया था। चौथा जिला एक और है भरतपुर। हनुमानगढ़ पंजाब व हरियाणा के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। भरतपुर हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ में। धौलपुर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ में। बाड़मेर मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ में। ये चार ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। अब देखते हैं अपन राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राज्यीय स्थिति वो देखते हैं एक बार। राजस्थान जो विश्व के जो महान देश है जैसे जापान, इटली, पोलैंड। राजस्थान जापान से भी बड़ा है, राजस्थान इटली से भी बड़ा है, राजस्थान पोलैंड से भी बड़ा है, ठीक है। राजस्थान जर्मनी के बराबर है, जर्मनी के लगभग बराबर। क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान क्षेत्रफल में जर्मनी के लगभग बराबर में। ब्रिटेन, ब्रिटेन से राजस्थान अकेला दोगुना है। ब्रिटेन जिन्होंने हमारे पर 200 साल तक राज किया, उससे राजस्थान, केवल राजस्थान ही दोगुना बड़ा है। नेपाल से राजस्थान ढाई गुना बड़ा है। अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? ढाई गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना। श्रीलंका से राजस्थान कितना बड़ा है? श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। भूटान से 8 गुना बड़ा है। बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल इतना छोटा सा देश है जिससे पूरी दुनिया डरती है आज, उससे अकेला राजस्थान, भारत नहीं, अकेला राजस्थान केवल कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात। अब अपन देखते हैं अपन अंतर्राज्यीय स्तर की बात। कर्नाटक व गुजरात से राजस्थान दो गुना बड़ा है। कर्नाटक या गुजरात से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? दो गुना बड़ा है। ओडिशा तमिलनाडु से ढाई गुना बड़ा है। अलग अलग, ओडिशा से भी ढाई गुना बड़ा है, तमिलनाडु से भी ढाई गुना बड़ा है। बिहार से राजस्थान 3 गुना बड़ा है। बिहार से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। केरल से 5 गुना बड़ा है और पंजाब व हरियाणा से 7 गुना बड़ा है। केरल से जो अपना भारत में मोस्ट पॉपुलर जो ये डेवलपिंग स्टेट है, उससे राजस्थान 5 गुना बड़ा है। पंजाब व हरियाणा से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 7 गुना बड़ा है। ये थी अपनी राजस्थान की जो सामान्य जानकारी कि राजस्थान का आकार पतंगाकार, विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार है, और बाकी सारी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी यहाँ पर। एक और बात रह गई,
चित्तौड़गढ़ वे अजमेर। चित्तौड़गढ़ वे अजमेर राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद में वापस शुरू होती है। राजस्थान की सीमा ये भीम के पास में एक बार समाप्त होने के बाद में वापस चालू हो जाती है, और चित्तौड़गढ़ की ये सीमा जो यहाँ पर ये समाप्त होकर वापस ये इस तरफ चालू हो जाती है। तो अजमेर व चित्तौड़ दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा समाप्ति के बाद में वापस चालू हो जाती है। और कोटा, कोटा ऐसा जिला है जो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है एक ही स्टेट। एक ऐसा जिला है जो इस तरफ से भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है और इधर से भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। मतलब कोटा दो तरफ से मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहा है। ये हो गई अपनी राजस्थान की सामान्य जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के बहुत काम आएगी ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।